विश्व विख्यात शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अगर वे मंदिर में आए तो बाजार में जो बच्चे भिक्षा मांग रहे होते हैं उन्हें वे भिक्षा ना दें और ना ही उन्हें भिक्षा में चिप्स व अन्य सामग्री दें, क्योंकि ये बच्चे भिक्षा मांगकर उस सामान को बाजार में बेचते हैं और रोजाना अच्छे पैसे कमाते हैं, जबकि इन बच्चों की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है। ये बच्चे स्कूल न जाकर भिक्षा मांगने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मंदिर की तरफ से इन बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों से अपील की गई है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट द्वारा लोगों से अपील की गई कि अगर वे मंदिर में आए तो बाजार में जो बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं उन्हें वे भिक्षा ना दें और ना ही उन्हें भिक्षा में चिप्स व अन्य सामग्री दें, क्योंकि ये बच्चे भिक्षा मांगकर उस सामान को बाजार में बेचते हैं और रोजाना अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जबकि इन बच्चों की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है और ये बच्चे स्कूल न जाकर भिक्षा मांगने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मंदिर की तरफ से इन बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों से अपील की है कि बच्चों को भिक्षा ना दें, इससे एक तो भिक्षा पर रोक लगेगी, साथ ही ये बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे। मेरा माँ के सभी भक्तों जो देश विदेश पंजाब हरियाणा कहीं से भी आ रहे हैं पंजाब से, उनसे प्रार्थना है कि आप कन्या पूजन के लिए ये ईटेबल चीजें जैसे अंकल चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये वगैरह लेके ना आए, क्योंकि गलियों में बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो ये आप उनको देते हैं और इनके पेरेंट्स मिलके ये सभी जो चीज़ें ये भेज देते हैं और 500-600 रुपया कमाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी ऐसी संस्था चलाई जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, लेकिन ये बच्चे वहाँ नहीं जाते। तो आप सभी माँ के भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों को लेके ना आए और ना इनको चीज़ें ये खाने के लिए दें, इससे भिक्षावृत्ति जो ज़्यादा बढ़ती है और इनका लालच ज़्यादा बढ़ जाता है, ये पढ़ाई वगैरह नहीं करते और सारा दिन ये बाजारों में घूमते रहते हैं। अगर कन्या पूजन आपने करना है तो आप थोड़ा सा प्रसाद ले आओ और इनके इनको हलवा वगैरह जो ईटे वाली चीज़ है वो लेके आओ, ये अंकल चिप्स कोल्ड ड्रिंक और ये जो चीज़ें हैं टॉफ़ी ये वगैरह लेके ना आए, क्योंकि ये बाद में जो है बाजार में भेज देते हैं। हाँ, और कई जो अब ये कन्या जो ऐसा ब्लैकमेल करती हैं, ये कहती हैं कि हमें आटा ले दो, दाल ले दो, हमें घी ले दो, ये ले दो, ये भी बाद में भेजती हैं। तो आप सभी माँ के भक्तों से प्रार्थना है कि इस प्रथा को जो बंद करें और बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और आपको भी यही मैं ये कहता हूँ कि आप माँ के भक्त जब भी कन्या मिलती है तो उनको बेटा पढ़ो आप और उनको पढ़ने के बाद साइड ध्यान दिलाओ। जय माता की।